सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जी डियर स्टूडेंट, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 से कॉर्निवर्स प्लांट में जो कॉर्निवर्स प्लांट्स या इनको इंसेक्टिवर्स प्लांट्स भी कहते हैं, ये प्लांट ईट करते हैं, ये प्लांट खाते हैं इंसेक्ट को और बर्ड्स को, जो कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ये प्लांट यूज़ करते हैं इंसेक्ट को और बर्ड्स को। जोसेफ डाल्टन हुकर ने सजेस्ट किया था कि ये जो कॉर्निवर्स प्लांट्स हैं इनके अंदर जो डाइजेशन के दौरान जो इंजाइम रिलीज़ होता है, सीक्रेट होता है, वही इंजाइम जो ह्यूमन बीन्स है उनमें भी सीक्रेट होता है, और उस इंजाइम का नाम है पेप्सिन। तो जोसेफ डाल्टन हुकर ने ये बात कही थी कि पेप्सिन इंजाइम जो कि ह्यूमन के स्टोमिक में भी मौजूद है, तो इन कॉर्निवर्स में भी ये पेप्सिन इंजाइम मौजूद है। ये पेप्सिन इंजाइम जो है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, जो कि इंगेस्टेड फूड में प्रोटीन मौजूद होता है, उसको ये डाइजेस्ट करता है। कॉर्निवर्स जो प्लांट हैं ये पार्शियली ऑटोट्रॉफ प्लांट्स हैं, ये पार्शियली हेटरोट्रॉफ प्लांट्स हैं। तो ये पार्शियली ऑटोट्रॉफ क्यों हैं? क्योंकि ये अब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, मगर इनमें प्रोटीन नहीं बनती, प्रोटीन नहीं बनती, तो इसलिए ये ईट करते हैं किसको? इंसेक्ट को और बर्ड्स को। जो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन की ये रिक्वायरमेंट या प्रोटीन की ये जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी करते हैं, ये डिपेंड करते हैं किस पे? इंसेक्ट पे, और उसको उन इंसेक्ट को या बर्ड्स को कैच करके, उनको डाइजेस्ट करके इनमें से ये नाइट्रोजन निकालते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए ये जो हैं कॉर्निवर्स हैं। और कॉर्निवर्स आपको पता है कि हेटरोट्रॉफ होते हैं। ये ऑटोट्रॉफ इसलिए हैं क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, मगर इनमें प्रोटीन बनने के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए वो नाइट्रोजन मौजूद नहीं होता। अच्छा, नाइट्रोजन इनमें क्यों मौजूद नहीं होता? क्योंकि इनकी जो हैबिटेट है जहाँ पे ये रहते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अब भाई, नाइट्रोजन की कमी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो अनफेवरेबल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और जो है ज़मीन में शामिल करते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होते। ये जो एनवायरनमेंट है ये फेवरेबल होता है डी नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया के लिए, जो कि नाइट्रोजन को ख़त्म करने वाले बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो इन इलाकों में नाइट्रोजन की कमी होती है, इस नाइट्रोजन की कमी को ये जो प्लांट हैं ये पूरा इंसेक्ट्स से करते हैं, और इनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो इंसेक्ट से पूरी होती है। तो ये इंसेक्ट ईटर हैं, इसलिए इसको इंसेक्टिवर्स प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है मीट को खा रहे हैं, गोश्त को खा रहे हैं, इसलिए इसको कॉर्निवर्स प्लांट्स कहते हैं। और ये आधे ऑटोट्रॉफ हैं और आधे ये हेटरोट्रॉफ हैं। क्यों हैं मैंने आपको बता दिया। जो पहली एग्जाम्पल है इसमें वो है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट की शक्ल कुछ पिचर या कूजे या छोटी सी जो मटकी है उसकी तरह होती है, इसलिए इसको पिचर प्लांट्स कहते हैं। और ये जो पिचर प्लांट है ये एक मॉडिफाइड लीफ है, और इस मॉडिफाइड लीफ की जो शेप है वो पिचर जैसी होती है, यानी छोटी जो दिल्ली या कूजा होता है उस जैसी होती है। इसके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो आप याद कर लीजिएगा, नेपेंथस है और सेरोसिनिया है और सेफोलोटस है और जो है हेलियम फोरा है और डॉर्लिंगटोनिया है, ये कॉमन एग्जाम्पल है। ये वाली लाइन जो कि आपने एंटी टेस्ट के हवाले से भी याद करनी है, ये जो है सॉर्सिना प्यूपेरी जिसको कि येलो पिचर प्लांट कहते हैं, ये कॉमन पिचर प्लांट है। पिचर प्लांट्स कि अगर हम पिक्चर देखेंगे, पहले हम एक रंगीन पिक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम बुक की पिक्चर में आते हैं।
अगर आप रंगीन पिक्चर देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये जो छोटा सा कूजा होता है या मटकी शेप, इसकी जो लीफ की शक्ल है, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं। और जो इसका जो लेमिना है, ये देखें आप, नेरो है। और इसकी जो ट्रिप है, यहाँ पे जो है ये पिक्चर बनता है। और इसके ऊपर लिड यानी कि ढकना होता है, इसके अंदर लिक्विड एंजाइम होता है। और ये कलरफुल जो रीजन है, इसको रिम कहते हैं। इसके अंदर जैसे ही कोई इंसेक्ट वगैरह आता है तो उसको ये फंसा देता है। इसकी अगर हैबिटाट देखेंगे तो ये इसकी हैबिटाट है, किस तरीके से इनमें जो है रोजेट लीव्स हैं, सर्किल की तरह लीव्स मौजूद हैं। और ये जो इनकी जो लीव्स की जो जो ये पत्ते हैं, इनका जो बेस है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, मगर आगे चल के ये नेरो हो जाता है। और जो ट्रिप है वो चेंज हो जाती है किसमें, पिक्चर प्लांट में, पिक्चर शेप में। देखें इस पिक्चर को अगर हम जूम करके देखेंगे तो ये आपको देखें लीफ बेस नज़र आ रहा है। लीफ बेस थोड़ा सा मोटा है, मगर आगे चल के जो ये इसकी जो पिट्यूल है ये नेरो हो जाती है। और इसके एंड में ये वाली शक्ल, इसको जूम करके दिखाई हुई है, ये जो है पिक्चर शेप जो है इसकी शक्ल बन जाती है। ऊपर इसका ढकना है, ये वाली ओपनिंग है। और रिम, जैसे कि मैंने बताया कि कलर्ड इनर रीजन है जिसको रिम कहते हैं, ठीक है। ये बेस यहाँ से, बेस से लिया हुआ है, ली गई है पिक्चर। और ये जो है टेंड्रल पेट्रियोल है, जो कि नेरो, जो कि है नेरो लीफ ब्लेड, जिसको कि टेंड्रल कहा जा रहा है। और यहाँ पे ये पिक्चर बन गया है। और ये इसका जो है, रिज हम कहेंगे एन एलिवेटेड बॉडी पार्ट है, इसका एलिवेटेड ये बॉडी पार्ट है। और ये एन नेपेंथस, निपेंथस कैसीना की ये पिक्चर है। तो आज हमने डिस्कस किया है पिक्चर प्लांट्स के बारे में। वन बाय वन हम जो भी नेक्स्ट प्लांट आने वाले हैं कॉर्निवर्स, उन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।